स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आएगा तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि नींबू के क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग खाना तो रोज़ खाते हैं दो वक्त के लिए, उसके साथ कुछ सलाद भी ज़रूर खाते होंगे, तो क्यों ना हम ऐसे कुछ खाएं दोस्तों जिसका हमें डायरेक्टली हेल्थ को फ़ायदा मिले। फ्रेंड, ये नींबू जो है, जिसको भी चक्कर की बीमारी रहती है वो ना खाएंगे या डॉक्टर के पूछ के खाएंगे तो बेटर होगा। मैं नींबू के आपके कुछ बेसिक फ़ायदे बताऊँगा। नंबर वन, नींबू विटामिन सी का बेहतर स्रोत है। नींबू के अंदर दोस्तों विटामिन सी होता है, साथ ही इसमें विभिन्न विटामिन जैसे थियामिन, रिबोफ्लोविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट और विटामिन ई की थोड़ी मात्रा मौजूद रहती है। तो फ्रेंड्स, एक नींबू के अंदर इतने सारे फायदे हैं। यह खराब गले, जिसका भी गला खराब होता है दोस्तों, वो इसको खा सकता है। कब्ज, किडनी और मसूड़ों की समस्याओं में राहत पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके भी गले में दर्द हो दोस्तों, छोटे बच्चों में या बड़ों में, उसको खाने में आप उसको नींबू दे सकते हैं। कब्ज, किडनी और मसूड़ों की समस्याओं में राहत पहुंचाता है, साथ ही ब्लड प्रेशर और तनाव को कम करता है। ठीक है दोस्तों, जिसको भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या जिसको भी टेंशन होता है, तनाव होता है, उसको भी कम करता है। त्वचा को स्वस्थ बनाने के साथ ही लिवर के लिए भी ये बेहतर होता है। देखिए दोस्तों, एक नींबू के अंदर इतने सारे फायदे हैं, ये लिवर के लिए भी अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपकी त्वचा के लिए भी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया, वजन संतुलित करने और कई तरह के कैंसर से बचाव करने में नींबू पानी मददगार होता है। देखिए दोस्तों, ये कैंसर से भी लड़ता है और आपकी पाचन शक्ति यानी डाइजेशन पावर को आपको बढ़ाता है, आपके वजन को भी कंट्रोल में करता है और कैंसर से भी आपको बचाता है। दोस्तों, नींबू पानी में कई तरह के मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक पाए जाते हैं। खट्टे नींबू के 10 मीठे गुण आपके ज़रूर जानने चाहिए। किडनी स्टोन, ठीक है दोस्तों, नींबू पानी का स्वास्थ्य पर पड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण फायदा है इसका, किडनी स्टोन से राहत पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, किसके भी किडनी के अंदर स्टोन चला जाता है दोस्तों, तो उसको राहत पहुंचाता है। मुख्य रूप से किडनी स्टोन शरीर से बिना किसी परेशानी से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बिना किसी परेशानी से आपका किडनी में जो स्टोन है वो निकल जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह यूरिन के बहाव को ब्लॉक कर देता है और अत्यधिक पीड़ा का कारण बनता है। नींबू पानी पीने से
शरीर को रिहाइड्रेट होने में मदद मिलती है और यह यूरिन को पतला रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, नींबू पानी पीने से शरीर को रिहाइड्रेट होने में मदद मिलती है और यह यूरिन को पतला रखने में मदद करता है। साथ ही यह किडनी स्टोन बनने के किसी भी तरह के खतरे को कम कर सकता है। साथ ही यह किडनी स्टोन बनने की के किसी भी तरह के खतरे को कम करता है। डायबिटीज़, फ्रेंड्स, जो भी 30 से 40 की एज में होते हैं उनको डर लगा रहता है कि भाई हम लोग की उम्र जो है अभी बढ़ते जा रही है तो हमें डायबिटीज़ ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये डर है या फिर अगर आपको अपने हेल्थ की परवाह है तो आप ज़रूर इसको नींबू को ट्राई कर सकते हैं, ऐसे डायबिटीज़ आपको नहीं होती है। दोस्तों, नींबू पानी, हाई शुगर वाले जूस व ड्रिंक का बेहतर विकल्प माना जाता है। नींबू पानी, हाई शुगर वालों वाले जूस व ड्रिंक का बेहतर विकल्प माना जाता है। तो फ्रेंड, जिसको भी शुगर है वो उनके लिए बेहतर विकल्प है नींबू पानी, ख़ास तौर से उनके लिए जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या वज़न कम करना चाहते हैं। ख़ास तौर से उनके लिए जो कि डायबिटीज़ से मरीज़ हैं या फिर अपना वज़न कम करना चाहते हैं। यह शुगर को गंभीर स्तर तक पहुँचाए बिना शरीर को रिहाइड्रेट व एंजॉइश करता है। यह शुगर को गंभीर स्तर तक पहुँचाए बिना शरीर को रिहाइड्रेट व एनर्जाइज करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया में फ़ायदेमंद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जिनको भी पेट की तकलीफ़ होती है या डाइजेशन की तकलीफ़ होती है उनके लिए बेहतर विकल्प है नींबू पानी का। नींबू पानी में मौजूद नींबू का रस हाइड्रोलिक एसिड और पित्त स्केशन के प्रोडक्शन में विदित करता है। नींबू पानी में मौजूद नींबू का रस हाइड्रोलिक एसिड और पित्त स्केशन के प्रोडक्शन में वृद्धि करता है जो पाचन के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ये पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही यह एसिडिटी और गठिया के खतरे को भी कम करता है। साथ ही यह एसिडिटी और गठिया के खतरे को भी कम करता है। जो लोग आमतौर पर पाचन संबंधी समस्याओं जैसे एब्डोमिनल कैप्स, ब्लॉटिंग, जलन और जैसे कि समस्याएं आदि से परेशान हैं, जो लोग आमतौर पर पाचन संबंधी समस्याएं जैसे एब्डोमिनल क्रैम्पस, ब्लॉटिंग, जलन और गैस की समस्याएं आदि से परेशान होते हैं, उन्हें नियमित रूप में नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक नींबू और इतने सारे फ़ायदे, तो क्यों ना अगर जिन्हें चक्कर की तकलीफ़ नहीं है अगर वो खा सकते हैं तो क्यों ना हम सलाद में ऐसी चीज़ें खाएं दोस्तों जो कि आपको फ्यूचर में आपको स्वस्थ रखें। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ।
ताकि मैं एक से एक अच्छा वीडियो आपके लिए पेश कर सकूं। थैंक यू।